नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। पीलीभीत में एक युवक अपनी दूसरी शादी कर रहा था। सूचना के बाद पहली पत्नी पुलिस को लेकर शादी के मंडप में पहुंच गई। शादी हॉल में पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया, वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस दूल्हे को थाने ले आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है। फिरोजाबाद शहर के सुहागनगर चौराहे के सर्विस रोड पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी के चलते समीप ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान में भीषण आग लग गई। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं दुकान में आग की ऊंची ऊंची लपटों को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर तत्काल पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुकान में आग लगने से करीब 1 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के डडवा महोखरी गांव में विपक्षियों द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद भी खेत की जुताई के विवाद में मारपीट हो गई। विरोध करने पर विपक्षियों ने दर्जनों की संख्या में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और मारपीट कर 3 लोगों को लहूलुहान कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कोरोना महामारी ने शहर की तरफ कहर बरपाने के बाद अब देहात की तरफ अपना रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार भले ही दावा करती हो कि देहात क्षेत्रों में वो विशेष तौर पर ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार का विशेष ध्यान शायद सिर्फ कागजों में ही सीमित है। पहले तो देहात में सरकारी मदद पहुंच ही नहीं पा रही और जो स्वास्थ्य केंद्र देहात क्षेत्र में बने हुए हैं वो भी बदहाली पर रोते हुए नजर आते हैं। कोविड-19 महामारी की दृष्टिगत रखते हुए जनपद के शहर क्षेत्र में लगे बैरिकेटिंग पर तैनात कर्मचारियों को बुंदेलखंड ग्रामोदिक समाज सेवा समिति से प्राप्त अल्पाहार पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा वितरित किया गया, तथा ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी आयु 50 साल से ज्यादा है या ऐसी महिला आरक्षियों जिनके 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी ड्यूटी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न लगाने हेतु SP द्वारा आदेशित किया गया। पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी आज 25 मई को अपने एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संकट काल में भोजन की किल्लत से परेशान जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अपने निजी खर्च से जिले की 3 तहसीलों में सांसद रसोई का शुभारंभ किया। सांसद वरुण गांधी मंगलवार को प्रातः 5 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग से चलकर बाय बरेली होते हुए सबसे पहले बिसलपुर पहुंचे, जहां सुबह 10 बजे CSC बिसलपुर सांसद रसोई का उद्घाटन किया। उसके बाद सांसद वरुण गांधी 11 बजे पुरनपुर तथा 12:30 बजे पीलीभीत जिला अस्पताल पहुंचे। सांसद वरुण गांधी ने नगर मुख्यालय पर सांसद रसोई का शुभारंभ किया, जिससे गांव के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बरेली के आंवला लोकसभा के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया, उच्च समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भमौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यारा के सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया। सांसद ने कोविड वैक्सीन टीकाकरण की भी सभी व्यवस्थाएं देखी। सांसद धर्मेंद्र कश्यप का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोविड वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। वहीं दूसरी ओर सांसद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखकर चिकित्सा अधिकारी क्यारा सौरभ सिंह और चिकित्सा अधिकारी भमौरा गौरव सिंह को बधाई दी और उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए पूरे अस्पताल के स्टाफ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बधाई दी। सांसद ने कहा कि अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों को इनसे सीख लेनी चाहिए। कोरोना महामारी ने हजारों परिवारों के दिल में ऐसा दर्द दिया है जिसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। किसी ने अपने परिवार के कर्ता धर्ता को खोया तो किसी ने अपने घर के चिराग को ही खो दिया। ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनके आगे या परिवार के पालन पोषण की भी समस्या खड़ी हो गई है। अब कैसे उनके बच्चों का पेट भरेगा और कैसे उनके भविष्य का निर्माण किया जा सकेगा, ऐसे में बरेली के गुलाब राय मॉन्स्ट्री स्कूल में मिसाल कायम की है। कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खो चुके छात्रों की फीस को पूरी तरह से माफ करने का फैसला स्कूल ने लिया है। इतना ही नहीं, उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।